तो जैसा हम लोग जानते हैं कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो एक एंगल देते हैं और एंगल अपने दायरे में देते हैं। सबका जो रेंज होता है वो स्पेसिफिक होता है। यहाँ पे कॉस इनवर्स की बात कर रहे हैं तो इसका रेंज 0 से पाई होता है ना। तो देखा जाए क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप एंगल पॉइंट डिसाइड करते हो। सबसे पहला काम होता है इस माइनस को बाहर, इस माइनस के बारे में सोचना है ना। पहला एंगल पॉइंट हो गया। दूसरा बात हो गया वो बाद में बात करते हैं ना। तो फर्स्ट एंगल पॉइंट को हम डिसाइड करते हैं। तो हमें पता होता है कि जो कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है और कॉस इनवर्स एक्स, ये दोनों जो होते हैं क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, मतलब इनका सम क्या आएगा, पाई आएगा। तो आपको याद होना चाहिए कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, दैट कुड बी रिटेन एज ए पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। अब सेकेंड एंगल पॉइंट हो गया कि हमें इसके बारे में डिसाइड करना है कि ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करें कॉस इनवर्स 1/2। तो 1/2 कॉस के किस एंगल की वैल्यू होती है। जैसा क्लास 10th में लोग जानते हैं कि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है, लेकिन 11th में हमने क्या पढ़ा था, रेडियन में कन्वर्ट करना। तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ऑफ पाई बाई 3 रेडियन में वैसा आप एक्सप्रेस करते हो। इसका मतलब जो 1/2 है इट कुड बी रिटेन एज ए कॉस ऑफ पाई बाई 3। तो इट कुड बी रिटेन एज ए पाई माइनस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई 3। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में आप पढ़ते हो ठीक है कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स एक्स होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है, एक्स रेस्ट्रिक्टेड है। एक्स इस कॉस के डोमेन की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन डोमेन तो ऑल रियल नंबर ऑफ एक्स है, ये सबको अलाउड करता है, लेकिन कॉस इनवर्स सबको अलाउ नहीं करता है। ये इसके रेंज के अंदर आना चाहिए। इसका रेंज क्या होता है, एक्स मस्ट बी मेंबर ऑफ क्लोज इंटरवल 0 to π, है ना। यहां पे हम लिख देंगे वेयर। अब चूंकि यहां जो आ रहा है वो 0 से π का एंगल होना चाहिए, अदरवाइज आप कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स एक्स नहीं लिख सकते हो। खैर यहां पे देख लीजिए, यहां पे तो हमें पाई बाई 3 लिखना है, तो पाई बाई 3 क्या होता है, 0 से π के बीच में होता है, तो हम लोग कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स एक्स लिख सकते हैं। तो पाई माइनस, अब ये सॉल्व कर लीजिए, दैट कुड बी सॉल्व एज ए 2π/3। इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू हो गई कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 वो कितना हो गया, 2π/3 हो गया। अब रही बात जो हमने निकाला है वो करेक्ट है या नहीं है, मतलब ठीक है वो उसकी कॉस इनवर्स एक्स की कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं है, तो चलिए वेरीफाई करते हैं ना, जो आपके आंसर का पार्ट नहीं होगा, ये आपके लिए है ना, आपको जानने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। तो देखिए उसके लिए हम थोड़ा आपको ग्राफ का सहारा लेंगे, विदाउट भी ग्राफ भी आप वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन ग्राफ की आदत हम आपको डलवा रहे हैं ताकि आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस इम्प्रोवाइज होती चली जाए टाइम के साथ, है ना। और ये कई बार आपको काम देगा, चाहे वो केमिस्ट्री हो जाए, फिजिक्स हो जाए, मैथ हो जाए, तीनों ही जगह पे आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए हेल्प करेगा। -1 ये हो गया π/2। ठीक है, तो देखिए π/3 का मतलब कितना हुआ, π/3 का मतलब हुआ 60, और उसका डबल कितना हो गया, 120 डिग्री, ये रहा 180 डिग्री। 0, तो 0 से 180 के बीच में 120 तो होता ही है, 90 से ऊपर कहीं 120 यहाँ होगा। इसका मतलब कि ये इसके रेंज में लाई करता है ना। इसको हम यहाँ से दिखा देते हैं, दैट इज, तो हेयर इज योर वैल्यू। इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला है वो 0 से π में लाई करता है, दैट इज करेक्ट आंसर।